अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बहुत उमदा बॉलिंग का मुजाहरा किया और ये मैच वो हारे तो हैं मगर लगा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। वर्ल्ड कप बड़े जोरों शोरों के साथ चल रहा है और एक बड़ी टीम वेस्ट इंडीज़ 2-time वर्ल्ड चैम्पियन, उन्होंने 12 और 16 में वर्ल्ड कप जीता, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया पहला मैच, वो नामीबिया से हारा भी है बट उसके बाद भी वो उन्होंने ग्रुप में टॉप किया। उसके बाद नीदरलैंड आई है, आयरलैंड आई है और फाइनली जिम्बाब्वे काफ़ी अच्छे के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली सिकंदर रजा ने थ्रू आउट जो पिछला पहला मरहला हुआ उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिया एज ए बैटर और एज ए बॉलर, दोनों में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आयरलैंड बहुत अच्छा खेला है, नीदरलैंड भी अच्छा खेला है, श्रीलंका अप्स एंड डाउन्स पर चलता रहा है। उसके बाद आज मेन राउंड स्टार्ट हुआ है, पहला ही मैच लास्ट ईयर के चैम्पियन और सेकंड पोजीशन वाले दोनों का मैच था आज, और आज वर्ल्ड चैम्पियन T20 की हार गई है मैच, पूरी तरह मैच आ रही है। न्यूजीलैंड के बैटर की बात करें, देखें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है उनकी, उनका मोमेंटम जो ओपनर ने किया है वो बहुत एक्सीलेंट था, बहुत उमदा खेले फिनलैंड, बहुत उन्होंने अच्छी बैटिंग का मजारा किया, कौन में बड़ा अच्छा खेले। देखें उसके बाद विलियमसन उनका कैप्टन, थोड़ा सा फिलिप्स थोड़ा सा उन्होंने डाउन किया मगर उसके बाद नसीम आए, उन्होंने बहुत उमदा बैटिंग का मजारा किया। मेन बात यह है कि पहला मैच था सुपर 12 मरहले का, जो दो टीमें दो राउंड बने हैं उसमें 200 रन्स बनाए हैं न्यूजीलैंड ने, बहुत उमदा उन्होंने खेल का मजारा किया। उन्होंने लास्ट जो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे उसका बदला लिया, भरपूर बदला लिया और उनको 111 रन्स पर आउट भी किया, ये बड़ी अच्छी बात थी और झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम ग्राउंड में हारना। गुस्सा तो उनको आएगा, अब वो गुस्सा अगली टीमों पे देखते हैं उतारते हैं कि नहीं, बट यह कि पहला मैच बहुत ही उमदा तरीके से न्यूजीलैंड ने जीता है। तीनों फॉर्मेट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग हो बॉलिंग हो फील्डिंग हो, उन्होंने सब में बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस का मजारा किया, वेल डन। आप देखें दो मरहले बने हैं, दो ग्रुप बने हैं, ग्रुप ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि दो जो नीचे से दो टीमें आई हैं वो भी नॉर्मल टीमें हैं, बट क्रिकेट है T20 है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को चारों शाने चित किया, बहुत उमदा उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और दूसरा मैच जो अफगानिस्तान का था इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, 112 रन पे उन्होंने आउट कर दिया अफगानिस्तान को, जिसमें सैम करन ने पहली दफ़ा 5 विकेट हॉल उन्होंने वर्ल्ड कप में भी लिए और बहुत ही उमदा बॉलिंग का मजारा किया उन्होंने। सैम करन ने 112 रन पर आउट किया अफगानिस्तान को, मगर अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो भी किसी से कम नहीं नज़र आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा फाइट की और 19वें ओवर में जाकर ये 112 रन इंग्लैंड ने चेज़ किया, जो मुझे इस वक्त T20 के वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम नज़र आ रही है वो है इंग्लैंड। और उनका आज इतना जारहाना स्टार्ट नहीं था जिससे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आया, प्रैक्टिस मैच भी उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा खेला। हाँ, क्योंकि ये एवरेज पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वर्ल्ड 6 टीमें हैं सबके बराबर पॉइंट हो तो एवरेज आती है, तो इंग्लैंड को ये मैच का नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्होंने 19वें ओवर में जाके 112 रन चेज किया। मे बी ये मुश्किल मरहले में इनको थोड़ा इसमें मुश्किलात आए, उनको सोचना पड़े कि ये हमने गलत किया था, बट ये क्रिकेट है। अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बहुत उमदा बॉलिंग का मजारा किया और ये मैच वो हारे तो हैं मगर लगा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ हाँ, एक बात तो भूल ही गया भाई, कल का जो मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का है, बड़ा ही कांटेदार मैच होता है हमेशा की तरह, पूरी दुनिया इस मैच को देखती है फॉलो करती है, तो मेरी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के साथ ऑफ ऑल्सो इंडिया के साथ, दोनों अच्छा खेलें, जो ग्राउंड में अच्छा
नफ्स के कंट्रोल के साथ खेलेगा, पॉजिटिव खेलेगा, वही जीतेगा। लेट्स सी कल क्या होता है।